हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा दूसरा क्लास है, पहला क्लास जिसमें हम एडवांस बेसिक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को कैसे सिंपलीफाई करते हैं वो देख रहे थे, और आज उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर है। लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण क्वेश्चन डिस्कशंस पिछली बार लिमिटेड हो गया था, तो हम इसमें मेनली जी मेंस और एडवांस को टारगेट करके क्या कहते हैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लास टेस्ट और क्या कहते हैं और भी असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे क्लास के अलावा। ओके, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से क्लासेस लास्ट क्लासेस हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने देखा होगा हमारा लास्ट क्लास, तो हमने 10 नंबर तक डिस्कस कर देखा था, और आज 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और हमने आपको बताया था कि कुछ लिमिटेड फॉर्मूला, बहुत लिमिटेड फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला जो इन जो बच्चे लोग बच्चे क्लास में सीखा जाता है ऑलमोस्ट 8, 9, 10th में, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर सब जानते हैं, इसी के बेसिस पे ऑलमोस्ट जो अभी 7 से 8 फॉर्मूला लिखेंगे इसी के बेसिस पे हम अभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, जो इसको आप करने के बाद अगर आप जनरल कंपटीशन का भी कभी लाइफ में प्रिपरेशन करना चाहोगे तो आई थिंक दैट ये क्वेश्चन आपके ब्रेन को इनहेंस कर देगा। इस क्वेश्चन को अगले जो 2-3 क्लासेस होंगे ये आई थिंक दैट ये कॉमन है हर किसी के लिए, ठीक है। इसके करने इस क्वेश्चन के करने के बाद आपको अलजेब्रा में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा, चाहे आप बेसिक्स क्लास हो कभी आपको जनरल कंपटीशन एग्जाम देना होगा भविष्य में, जो ऑलमोस्ट देते ही हैं इंडिया में सब। ओके, +b² a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab +b², इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूला को यूज करके हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कराएंगे। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ओके, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ + 3। अगर हम a² में a को हम a² नहीं देते और b² लिख देंगे, क्यों पता है आपको, क्योंकि हम b के आगे निगेटिव b क्यूब के आगे निगेटिव लगाए थे, जब इसमें b² इन्वॉल्व हो रहा है ना तो उसके आगे प्लस साइन लगा देंगे। अब माइनस साइन जब लगा रहे हैं तो 3a² b लिखेंगे, क्योंकि a² के आगे क्या रखे हैं ऑलरेडी हम प्लस लिखे हुए, ठीक है। इस फॉर्मूले को ना दिमाग से कभी नहीं जाएगा आपको, a+b का होल क्यूब बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से इस दोनों के फॉर्मूले से हम आराम से ये दो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो सकता है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या हो सकता है, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा, a³ + b³ = क्या हो जाएगा आपको, a³ + b³ का फॉर्मूला हो जाएगा आपको a+b का होल क्यूब माइनस 3ab, इसमें से कॉमन ले लिए इधर a+b हो गया, ठीक है। अब पता है आपको a+b, अगर इसमें से a+b है, यहाँ पे भी a+b है, यहाँ पे भी a+b है, अगर उसे कॉमन ले लिया जाए तो ये फॉर्मूला और ज्यादा ही क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से दिखने लगेगा। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a+b कॉमन ले लिए, ठीक है, इसमें से क्या बचेगा, a+b का होल स्क्वायर -6ab, जो क्या दे देगा, a+b का होल स्क्वायर ये देगा। इसमें से -6ab अगर घटा दिया जाए, -3ab घटा दिया जाए तो क्या दिखेगा इसमें बताइए, a² - ab + b², ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, a³ - b³ का फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला ये वाला पार्ट, इसको इधर पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल क्यूब, इसमें से 3ab कॉमन ले लिए उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 3ab कॉमन लेंगे, नहीं यहाँ पे हम 3ab कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3ab कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, -3ab कॉमन ले लेते हैं तो a-b बचेगा, माइनस साइन जो उससे जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा, 3ab a-b। ओके,
ठीक है, आपको पता है भगवान ने भी जो मैथमेटिक्स बनाया है ना, मतलब अगर भगवान भी होंगे तो वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे होंगे, क्योंकि अगर मैथ्स को अगर आप गहराई से देखते हो ना, तो ये होता है कि ना, अगर आप वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ते हो ना, वृक्ष का एक पत्ता कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ठीक है, और उसमें ये देखिए इस तरह से बना रहता है कुछ, वृक्ष कोई भी वृक्ष का पत्ता तोड़िएगा तो वो भी ऐसा दिखता है ठीक है। तो ये वृक्ष का एक पत्ता का हम एक नमूना बनाए हैं, और यहाँ पे भी जो है ना आपको पता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर डी है, ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस डी होगा ठीक है। तो भगवान जो इस नेचर को बनाया जहां हम और आप हैं, उन्होंने भी मैथमेटिकली इस नेचर को, आपको लगता होगा कि आप एक एक मिट्टी को उठाओगे, एक पत्थर को उठाओगे, उसको लगेगा उसका शेप ना रेंडम है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नहीं, वहां पे भी यूनिफॉर्मिटी है। अगर आप ऐसे 1000 को पत्थर उठाओगे तो उसमें से 10 पत्थर जो है ना सिमिलर शेप का निकलेगा, अगर 10 सिमिलर शेप का निकल रहा है तो वो रेंडम नहीं है, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी काम करेगी कि इसी शेप का पत्थर आने की कितने चांसेस हैं, ऐसे 1000 गिट्टी को हम रेंडमली पिक करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैथमेटिक्स, भगवान भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे होंगे ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स को जानना हर किसी के, हर मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स से बड़ा फिलोसफी कुछ भी नहीं है, बस हम यही करना चाह रहे हैं ठीक है। ओके चलिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, एंड क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है मुझे आगे और आपके वीडियोस को कंटिन्यू करने में ठीक है। और हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है ठीक है। ओके, नो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम देखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में हम अब ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला बना देगा ए माइनस बी, और इसका ए माइनस बी का और इसका +3ab वेट कर रहा, इसमें +3ab ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, अंदर में ए स्क्वायर +ab +b2, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। कल ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला सब डिस्कस कर चुके हैं, और इसी फॉर्मूले इतने ही फॉर्मूले के बेसिस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है जो हर जगह एवरग्रीन फॉर्मूला है, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी दिख जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं, इसके अलावा और जितने भी फॉर्मूले हैं इसी के हेल्प से हम जनरेट करते हैं, इसी के हेल्प से जनरेट करते हैं। ये 1 नंबर का दीजिए, इसको 2 नंबर का दीजिए, इसको 3 नंबर का दीजिए, इसको 4 नंबर का दीजिए, इसको 5 नंबर का लीजिए, इसको 6 नंबर का लीजिए ठीक है, इसको 7 नंबर का लीजिए ठीक है। ओके, इतना ही फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट, अल्जेब्रिकल फॉर्मूला, जिसके हेल्प से हम इस तरह के जो बड़े बड़े अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसको हम छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जब खुद से ना बने तो आप सॉल्यूशन देखिए ठीक है, या फिर आप थोड़ा फॉरवर्ड करके वीडियोस को देख लीजिएगा, इसका फाइनल आंसर जो आप जो आंसर निकाले हैं और मेरा जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या है, x³ + y³, देखिए जस्ट यूज आ गया, a³ + b³ का फॉर्मूला यूज आ गया ठीक है। नीचे में क्या है, x + y, तो हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, x + y इंटू x² - xy + y² ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है। ओके, और यहाँ पे रेशियो सेन है, तो रेशियो सेन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, रेशियो सेन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, हम पहले समझाएं ये एक्चुअली में डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/x² - y² जो अभी जस्ट ऊपर में लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला यूज आ रहा है, x - y और x+y ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट है ठीक है ना, सो आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था और यहाँ ब्रैकेट, प्लस ये वाला पार्ट 2y x+y - xy / x²- y² ओके। नौ हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं ठीक है। ओके, और यहाँ पे बच क्या जा रहा है आपको,
बच जा रहा है आपको एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे में क्या आ जा रहा है आपको, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सॉरी हाँ यस ठीक है, ये बच गया। फिर प्लस ये वाला पार्ट टू वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये सब का एलसीएम ले लेते हैं। ये सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू वाई प्लस टू वाई, एक्स प्लस वाई से करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई ठीक है, ये हो जाएगा ओके। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ठीक। क्योंकि ये पार्ट का हमें जरूरत पड़ गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ठीक है, उन लोगों को शेयर कीजिए जो लाखों रुपया कोचिंग्स में, कोटा में, दिल्ली में, पटना में, जहां हो वहां भेजते रहते हैं और वो लिटरली कुछ सीख के नहीं आते, वो मेंस में 100+ भी स्कोर नहीं कर पाते हैं और वो जाते हैं और कोचिंग में बस फीस भर के आ जाते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोचिंग से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो फिर पूछने वाली बात नहीं, मैं बस गारंटी ले सकता हूँ कि अगर कोई बच्चे अपना 10th के बाद 11th में भी हमारे पास जुड़ गए तो मैं उसको IITian बना दूंगा। आज नहीं, अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्टेड रहा, आज नहीं IITG नहीं निकला उसका तो IITGM निकलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा ठीक है ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय, इसको हम लिख रहे हैं, इसको टू वाई टू एक्स वाई वहां लिखे हैं, इसको ये वाले पार्ट को वहां लिखे हैं ठीक है, और माइनस एक्स वाई। नीचे में क्या है अपने पास, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ओके। फिर जब हम इसको क्या करते हैं, देखिए माइनस एक्स वाई दो बार है ठीक है, दो बार है माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस टू एक्स वाई यहाँ प्लस टू एक्स कैंसिल नहीं कर देगा, ये सब आपस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है माइनस टू वाई स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से माइनस टू स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर। और नीचे में क्या वेट कर रहा है कि दोनों गुना करके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपको कैंसिल होके वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर वन आया था तो बहुत अच्छी बात है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए अपने से बनाने का ठीक है, कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस वन बाई ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री रेशियो। देखिए ये सेपरेट है, ये ब्रैकेट में कवर है ठीक है, इधर रेशियोज का मतलब क्या है डिविजन है ठीक है, और ये मैं कल भी समझाया था डिविजन है, और फिर यहाँ पे ये सेपरेट ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, देखिए हम यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ब्रैकेट को हम अलग अलग साइन से डोनेट कर लेते हैं, ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट जो है आपको इस ब्रैकेट से मैच करता है ठीक है, और
ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, नहीं, मैं गलती कर दिया, ये वाला ब्रैकेट किस ब्रैकेट से मैच करता है, ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट को मैच करता है, और जो ये ब्लू रंग में लिया था मैं, ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट को मैच करता है। ठीक, आई थिंक दैट ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये दोनों बीच के अंदर है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये दोनों अंदर बीच में है, और ये वाला जो ब्रैकेट ब्लू है और इधर जो ब्लू है वो एक दूसरे को मैच करता है। ठीक है, चलिए तब हम इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस वन का होल स्क्वायर बाय ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय कुछ नहीं तो क्या है, वन है, इधर क्या हो जाएगा इसको डिवीजन ही लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये भी क्या हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा से एक्स बाय वाई बाय एम रहे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बाय एम और वाई बाय एम, ये हम ये लिख सकते हैं। इसलिए हम ये जो स्क्वायर था दोनों पे तो उसको हम सेपरेटली लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या क्या है थ्री बाय कुछ नहीं तो क्या वन है, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक ब्रैकेट डालते हैं, इधर भी एक ब्रैकेट डालते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं, फिर से इसको एज ए डिविजन से डोनेट कर देते हैं, फिर ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब माइनस वन माइनस टू ए बाय ए माइनस वन। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका और वन का एलसीएम क्या होता है, ए माइनस वन ही हो जाएगा, ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, और इधर क्या हो जाएगा थ्री के साथ, थ्री के साथ क्या हो जाएगा एक, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, इधर क्या लिख सकते हैं थ्री ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा डिवीजन ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, किसका लिख रहे हैं ये वाला पार्ट का, प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा आपको ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया, इधर यही रहने देते हैं डिविजन्स अभी के लिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुना करके इसको पलटा दीजिए, इसका जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस वन ऊपर चल जाएगा, ए क्यूब प्लस वन नीचे हो जाएगा, ये माइनस में वेट जो कर रहा है टू ए ए माइनस वन ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ देखिए थ्री से गुना होगा थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर वेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में फोर ए स्क्वायर, ये टू ए है, इधर माइनस सिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर ए, इधर क्या है वन है यहाँ पे और यहाँ पे थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपको प्लस फोर, इस समय से फोर कॉमन आ सकता है, और नीचे में क्या हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, रेशियो इस डिवीजन को हटा के हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि इसका जो ये वाला पार्ट है ना उसको ऊपर लिख दे, इसका ये वाला जो पार्ट है उसको नीचे लिख दे कैलकुलेट करके, क्यों ना, क्योंकि एक स्टेप अपने पास बच जाएगा, ए प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिए नीचे में, और नीचे में जो इसका जो समेशन है वो नीचे लिख दे, यहाँ पे देखिए थ्री से गुना करने पे थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, फिर इसका यहाँ माइनस टू ए है और यहाँ पे थ्री से इससे गुना सिक्स ए हो जाएगा, प्लस सिक्स ए माइनस टू ए क्या दे देगा प्लस फोर ए दे देगा, और यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको कटता हुआ कुछ कुछ दिख रहा है, दिख जाएगा अभी कुछ देर में दिखेगा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे ए क्यूब प्लस यहाँ पे वन कुछ नहीं है तो वन पे पावर थ्री लिख सकते हैं, वन पावर थ्री वन ही हो जाएगा, इस नीचे के अंदर वन पावर थ्री लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम वो वाला फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे जो हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए यूज करते हैं, क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई
इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो हम ये दोनों, इसके लिए हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ जाएगा ये ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। फिर नीचे के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये नीचे वाला ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ठीक है। इधर क्या है, माइनस टू ए बाय ए माइनस वन, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए बाबू, अब आपको ना देखिए इसमें से अगर फोर कॉमन ले ले तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिखने लगेगा, अगर इसमें से फोर कॉमन ले ले तो ये इसका एग्जैक्टली इसके जैसा दिखने लगेगा, तो क्यों ना हम काट दें। हम इस समय से क्या करें, अगर हम ये बताएं आपको, देखिए यहाँ पे भी फोर है, नोटिस कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए यहाँ फोर है, यहाँ फोर है, यहाँ फोर है, सब में से फोर कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी फोर है, यहाँ भी फोर है, यहाँ भी फोर है, फोर कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, यहाँ पे भी क्या है वही है, ये पूरा का पूरा नहीं कट जाएगा इससे, और इसके यहाँ पे भी फोर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये भी पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यस। अब देखिए यहाँ ए प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा किससे, इससे, ए माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा किससे, इससे, क्या बच गया बताइए, क्या बच गया, बच क्या गया हमारे पास, ये वाला पार्ट कट ही गया है, मतलब ये वाला पार्ट में सिर्फ फोर बचेगा, यहाँ पे फोर बचा, यहाँ पे भी फोर बचा, इसका भी फोर, इसका भी फोर बचा, वो फोर कट कर दिए, तो बच क्या गया हमारे पास फाइनली, ए प्लस वन ए माइनस वन, ए प्लस वन बाय ए माइनस वन, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो बात है ये तो नहीं कटवा ना, माइनस टू ए बाय ए माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपको ए माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा आपको ए प्लस वन में से, ए प्लस वन में से टू ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको वन माइनस ए बाय ए माइनस वन। अब आपको पता है अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू ए माइनस बी बाय बी माइनस ए क्या होता है, क्या आंसर करिएगा, एक कॉमन ले लीजिएगा, माइनस बी माइनस ए बाय बी माइनस ए कैंसिल कर दीजिएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। तो वही काम तो यहाँ पे करेंगे ना, वन माइनस ए है नीचे में क्या ए माइनस वन है, क्यों ना हम इस एक किसी एक में से माइनस वन कॉमन लेके ए माइनस वन और ए माइनस वन कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा माइनस वन, ठीक है समझे। अगर आपका माइनस वन आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, माइनस वन अगर आपका आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, थर्टीन नंबर, थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, क्या माइनस टू है, हम कल ही सीखा है, अगर आपके पास ए बी पे पावर माइनस सी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी बाय ए पे पावर सी, चेंज हो जाएगा माइनस साइन, रेसिप्रोकल को चेंज कर देता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, y, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपको y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, कल ही समझा चुके थे हम क्यों लिखते हैं ये, ठीक है, नीचे में से हम एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, एक्स पावर फोर है, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये तो काफी आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है, माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सबसे बन जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे है एक्स माइनस वाई का, इसको यहाँ वाई माइनस एक्स, और ये तो कैंसिल हो जाएगा आराम से, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। अगर कैंसिल नहीं भी करेंगे ना हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स भी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं,
है, ये पता है ना आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को हम क्या लिख सकते हैं, इसको टोड़िएगा तो प्लस में है माइनस 2x, इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर या फिर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस वही लिख सकते। ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख दिए y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे पता है आपको, माइनस एक्स कॉमन लेंगे। माइनस एक्स कॉमन लेने से फायदा क्या होगा कि y वाला पार्ट जो है ना आगे आ जाएगा और x वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे, ये जो माइनस एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको माइनस माइनस उसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई माइनस एक्स बाय एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ पे कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं आपको एक्स पावर फोर है, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन इससे कॉमन निकालेंगे तो वाई माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, क्यों ना हम इसको इधर लेके चल जाए और काम कंप्लीट कर लें। माइनस एक्स पावर फोर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं आपको, इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि माइनस कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस एक्स पावर फोर लिख देते हैं, नीचे में वाई स्क्वायर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। वाई माइनस एक्स है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिए, क्या बच गया यहाँ पे अंदर में, वाई माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय वन वाई एक्स, ठीक है, इंटू माइनस एक्स पावर फोर बाय वाई स्क्वायर, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका जो वाई माइनस एक्स है, इसका जो वाई माइनस एक्स है, इसके वाई माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, क्या बच जाएगा अब इसके बाद हमारे पास, ये एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर होता है, फिर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस एक्स पावर फोर बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स, क्योंकि वाई माइनस एक्स वाला पार्ट टू इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस एक्स है, प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ बच गया वाई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक कैंसिल हो गया ये भी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर फोर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर बाय, नीचे में क्या बचा वाई इंटू एक्स प्लस फोर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये अगर आपका आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझे क्या कि हम बस कट कुट करके सिंप्लीफाई करनी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे काम देता है। ठीक है, वहां पे काम देता है, ये छोटे क्वेश्चन है बट लेकिन आपके ब्रेन्स को, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करके बॉडी बनाते हैं, उसी प्रकार से एक्सरसाइज करके हम मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ना आपका एक्सरसाइज है मैथमेटिकल सेल्स को डेवलप करने के लिए आपके ब्रेन्स में। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपली